वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कुछ न्यू सेंटेंसेस जो कि हम अपने डेली भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कुछ सेंटेंसेस जो कि हम डेली बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, आज उनको हम इंग्लिश में जानेंगे, या फिर हम जानते हैं लेकिन हम इंग्लिश में नहीं बोलते। तो कोशिश कीजिए कि जो कुछ भी आपको वर्ड्स इंग्लिश के आते हैं उनको इंग्लिश में बोलें, और कुछ भी जो सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, उनको आपको यदि इंग्लिश में आते हैं तो उनको इंग्लिश में ही बोलें। तो इससे आपको डेली प्रैक्टिस होगी इंग्लिश बोलने की, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी ज़रूर आएगा। तो आइए कुछ और सेंटेंसेस जानते हैं और शुरू करते हैं आज का लेसन। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। चुप रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। अपना काम करो, Do your work। मुझे पढ़ने दो, Let me read। वहाँ मत जाओ, Don't go there। आज रविवार है, Today is Sunday। मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, I have a cold। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क। मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, आई लव टू ईट आइसक्रीम। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। अपनी पढ़ाई करो, Do your studies। मुझे एक गिलास पानी दे दो, Give me a glass of water। ऐसा मत करो, Don't do this। कुछ ऐसे sentences हैं जो कि आप बच्चों से भी बोलते हैं या फिर आप खुद बोलते हैं कि मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, या मुझे अकेला छोड़ दो। ये सारे sentences आप अपने डेली बोलते हैं, आप इनको इंग्लिश में बोलिए तो आप जरूर इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक से बैठो, बच्चों से आप कह सकते हैं सिट प्रॉपरली। अपना पाठ याद करो, मेमोराइज योर लेसन। चलो नहाने जाओ, लेट्स गो फॉर अ शावर। ये तो हम डेली बोलते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं, खाना तैयार है, फूड इज रेडी। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, यू लुक वेरी गुड टुडे। क्या बात है, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। अब मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू नाउ। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हम डेली बोलते हैं लेकिन हम इनको बोलना नहीं जानते, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जानते भी हैं तो बोलने से झिझकते हैं। तो झिझकिए मत, जो कुछ भी आता है उसे बोल डालिए। वाह, ये कितना सुंदर है, वाओ हाउ ब्यूटीफुल। मौसम बहुत सुहावना है, द वेदर इज़ वेरी प्लीजेंट। चलो आज घूमने चलें, लेट्स गो फॉर ए वॉक टुडे। मेरा मोबाइल मुझे दे दो, गिव मी माई मोबाइल। ये हम बोलते हैं लेकिन हम इंग्लिश में नहीं बोलते, गिव मी माई मोबाइल। अब से ऐसा क्या कहा करिए आप। गेट पर लॉक ताला लगाओ, लॉक द गेट। मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम वेरी अपसेट। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, यू आर वेरी गुड बेबी। आप अपने बच्चे से कह सकते हो यू आर वेरी गुड बेबी। इस
तरह से बच्चे भी जानेंगे कि हाँ, एक बार आप इंग्लिश में बोलिए और एक बार आप हिंदी में बोलिए, इससे वो जान सकेंगे कि ये इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है, और उनको भी समझ में आने लगेगा इंग्लिश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट। तो इसलिए जो कुछ भी आपको वर्ड्स आते हैं, जो कुछ भी आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस आते हैं, आप उनको अपने घर से ही प्रैक्टिस शुरू कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस वर्ड्स बोलना। इससे आपके अंदर की जो हेजिटेशन है वो निकलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो और कुछ ना कुछ आर्टिकल, कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर या कुछ इंग्लिश के बुक्स, कुछ भी आप पढ़ें तो इंग्लिश में ही पढ़ें, इससे भी आपका जो इंग्लिश है वो इन्हेंस होगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।